मेरी सेकंड वीडियो है। इसमें अभी तक हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था स्टोइकोमेट्रिक क्या है, उसके क्वेश्चन थोड़े बहुत किए थे। आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसकी प्रैक्टिस बढ़ाएंगे, ठीक। फिर उसके बाद हम लिमिट डिग्रेडेड पे जाएंगे। तो क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वेट ऑफ H2 लिब्रेटेड व्हेन 18 ग्राम ऑफ वाटर रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ सॉल्ट। पहले रिएक्शन करते हैं, सोडियम की रिएक्शन वाटर से करते हैं और क्या बनेगा, NaOH। और क्या बन सकता है सोचो भाई, रिएक्शन ही तो आपको अच्छी तरह करनी आनी चाहिए। और आपने पढ़ा हो पॉप साउंड निकलती है H2, ठीक। अभी से बैलेंस करते हैं, H2 यहाँ दो है, ठीक, AO है, ठीक, लेकिन H2 हमारे यहाँ पर 3 है। H2 कितने हैं हमारे यहाँ पर, H2 हमारे क्या है, 3 है। तो इसे बैलेंस करना पड़ेगा। अगर मैं 2 कर दूँ यहाँ पर तो मुझे यहाँ भी 2Na लगाना होगा, 2Na, 2Na। अभी O हमारे कितने हो गए, 2, तो O भी 2 लगाना पड़ेगा। तो O कितने हो गए, 4, और O कितने हो गए, 4, यहाँ पर कितने हो गए, 2, यहाँ पर 2, हो गए बैलेंस। देखो हो गई बैलेंस, ठीक। अब इन्होंने कहा है फाइंड आउट द वेट ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड व्हेन 18 ग्राम ऑफ, कितनी हाइड्रोजन निकलेगी जब हम इसे रिएक्शंस करेंगे एक्सेस ऑफ सोडियम। मतलब ये एक्सेस तो बड़ी ऐसे लिख दिया है, वो तो उसी अमाउंट में करेगा भाई, 2 से 2 कर रहा है, तो जितनी आप वाटर लेंगे उतना ही सोडियम रिएक्ट करेगा। हमें H2 उसके बारे में बात करनी है, बहुत आसान है। हमें ये पता है कि कितने 36 ग्राम, आप काउंट करके देख लीजिए 36 ग्राम, और इससे मिलेंगे 2 ग्राम हाइड्रोजन, ठीक है। फाइंड आउट द वेट ऑफ हाइड्रोजन, 36 से मिल रही है हमें कितनी, 2 ग्राम, तो 18 से कितनी मिलेगी, 2/36 × 18 यानी कि 1 ग्राम हाइड्रोजन। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। एक तो ये तरीका था, दूसरा तरीका क्या था हमारा, मैं इसे रब कर रही हूँ इस तरीके को, दूसरा तरीका था हमारा क्या था, मैंने दू पहले मोल बना दू इसके, वाटर के मोल, H2O के मोल कितने होंगे, 18/18 यानी 1 मोल। तो क्या हो जाएगा, NH2O स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, NH2O स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इससे गलती नहीं होगी, देखो उसमें हो सकता है गलत वेट ले ले तो थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, बाकी आपकी मर्जी है। कितना हो गया यहाँ पर, ये हो गया 1 मोल, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, वाटर का 2, और यहाँ पर हमें मोल निकालने हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, तो NH2O कितनी है, 1/2 मोल, ठीक, 1/2 मोल। तो मोल हो गए 1/2, मास निकालना है, मोलर मास कितना होता है, H2O का 2 से 2 कैंसिल, मास आ गया 1 ग्राम। कैसे मर्जी कर लो, जैसा आपको सही लगे ऐसे आप करो, ठीक। मैं अगला क्वेश्चन लिख रही हूँ, अब ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, अगला लिख रही हूँ। क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी बाय ट्रीटिंग, ये नोट कर दे रहा हूँ, पूरा तो नहीं लिखूंगी। क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी बाय ट्रीटिंग मैग्नीज डाइऑक्साइड, बाय ट्रीटिंग मैग्नीज डाइऑक्साइड विद एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रिएक्शन दे रही हूँ, 4HCl रिएक्शन दे रखी है, ये दे रखी है उनके क्वेश्चन में, MnO2 gives 2H2O plus MnCl2, ठीक, एक्वस, भाई इन्होंने बता दिया एक्वस है, तो भी आप वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगा दो, Cl2 ऐसे लिखते हैं Cl2, ये हमारे गैस है, ठीक। अब इसमें पूछा गया है हाउ मैनी ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ MnO2, ये क्वेश्चन, ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, हम पहले आप उतार दीजिए, मैं फिर नीचे ही ये मीटर कर रही हूँ। हमसे पूछा है HCl पूछा है और 5 ग्राम MnO2 का, बस मैं बाकी ये रख कर रही हूँ। तो अब क्या करते हैं, हम वेट वगैरह निकालने स्टार्ट करते हैं। वेट निकालने के लिए हमें क्या करनी होगी, कैलकुलेशन करनी होगी, ठीक। तो शुरू करते हैं कैलकुलेशन। तो पहले इसका मोलर मास निकालना होगा, एम एन का होता है 54.9 या 55 भी रख सकते हैं, और O2 का हो गया 32, तो ये आपका आ जाएगा कितना, आ जाएगा टोटल करके, ये आपका टोटल करके आ रहा है 87 लिख देते हैं, छोड़ो इसे 55 ले लो, सिंपल हो जाएगा 87, ठीक। HCl का कितना होगा, ये HCl है, बात ये तो हो गया, 4 हम लगाएंगे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले HCl का कितना होता है, Cl का 35.5, H का 136,
तो 4 × 36.5 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ये आ गया। ठीक है अब मैं बोलूंगी 87 ग्राम MnO2 रिएक्ट करता है इससे 4 × 36.5 ग्राम इससे, हाँ या ना भाई? ये तो रिएक्शन नहीं कह रहा था, मैंने थोड़े पूछा उससे कहा है, इसने कहा था 87 इससे रिएक्ट करता है, हमसे पूछा 5 ग्राम इससे रिएक्ट करेगा, मैंने जान की कैलकुलेशन नहीं की, एक ही बार करने की कैलकुलेशन कर लो, बस कैलकुलेशन कर लो आंसर आ जाएगा। ठीक ये हो गया, अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। ठीक है अभी मैंने पूछा था जो पहले नोट कर लो, मैं लॉक कर रही हूँ, अभी तक मैंने पूछा था, अभी मैं पूछती हूँ हाउ मैनी ग्राम ऑफ MnO2 रिएक्ट विद 5 m HCl 25 ml HCl 25 ml 5 MnO2। ठीक ये बन गया क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन बढ़ा दिया हमने, ऐसी क्वेश्चन को थोड़ा बता दिया, मुझे MnO2 बताना है और इसका बताना है HCl, होगी क्या चीजें देखते हैं, क्वेश्चन काट लिया ऐसा लाभ कर रही हूँ। ठीक अब मेरे को इसमें दे रखी है मोलैरिटी, मैं मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट ऐड कर रही हूँ, करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने क्या रखा है 5 m HCl उसका वॉल्यूम कितना दे रखा है 25 ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो HCl का पहले वेट निकाल लेते हैं क्योंकि मतलब वेट चाहिए होगा यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए, तो मोलैरिटी इक्वल टू वेट अपॉन या डब्ल्यू बी ऐसे लिख लेते हैं डब्ल्यू बी अपॉन एम बी 1000 अपॉन वॉल्यूम। ठीक अब देखो ध्यान से 5 m डब्ल्यू बी हमें फाइंड करना है, मोलर मास 36.5 × 1000 अपॉन 25। ठीक तो डब्ल्यू बी कितना आ जाएगा, डब्ल्यू बी आ जाएगा 5, तो मैं कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ, ठीक अपॉन 1000, तो ये आ गया हमारा क्या, ये हमारा क्या इतने ग्राम HCl आ गया। ठीक अब मुझे पता है HCl कितना है, 4 × 36.5 ग्राम HCl रिएक्ट करता है किसे 87 ग्राम MnO2 से, ये तो कोई रिएक्शन कह रही है, मैंने लिखा इतने ग्राम किससे रिएक्ट करेगा 5 × 36.5 × 25 / 1000 ग्राम ऑफ HCl किससे रिएक्ट करेगा 87 अपॉन 4 × 36.5 देखो फायदा कितना होगा 5 × 36.5 इधर नीचे लिख देते हैं 87 × 5 × 36.5 × 25 अपॉन कितना है यहाँ पे 4 × 36.5 × 1000 अब जो जो करता है काट दो। ठीक बाकी की कैलकुलेशन कर लो इतने ग्राम आपका MnO2 रिएक्ट करेगा। आसान क्वेश्चन था या नहीं था? नहीं था, नहीं समझ में आना बहुत ज्यादा थी, कोई बात नहीं दोबारा समझा देते हैं। मैंने एक आपको इक्वेशन दी और मैंने कहा कितने ग्राम MnO2 5 m HCl के 25 ml वॉल्यूम से रिएक्ट करेगा। अब मेरे को क्या पता 5 m 25 ml दे दिया, अब मुझे क्या करना पड़ेगा पहले इसके क्या करना पड़ेगा वेट निकालो, वेट निकालो या मोल निकालो जो भी आप निकालना चाहो। अब एक बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा मैम क्यों वेट निकाले, कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन मैम क्यों मोल निकाल, वो निकाले वेट भाई 5 m का मतलब क्या हो गया 5 mol प्रेजेंट इन 1 liter, लेकिन 5 mol प्रेजेंट है 1 liter में, हमें कितने लीटर में चाहिए ml में चाहिए 25 ml में, तो आप देखोगे 1000 में प्रेजेंट है कितने 1000 ml में प्रेजेंट है कितने आपके 5 तो 25 में कितने होंगे, पहले मोल निकालो फिर मोल से इसकी कैलकुलेशन करो फिर यहाँ पर मोल बनाओ उससे उसकी कैलकुलेशन पूछो, अगर मोल करे होते तो काम हो जाता लेकिन हमसे क्या करें ग्राम करें, इसीलिए हमने ये ग्राम में निकाला। पहले क्या करोगे मोलैरिटी के फॉर्मूले से वेट निकालोगे, वेट से आप इसका वेट निकालोगे, अगर मोल कहते हैं मोल के तरीके से बता देते हो पहले मत जाओ कि भाई मोल के तरीके से कैसे होगा,
सिंपल सी बात है, 1000 लीटर में कितने हैं, 5 मोल, 5 m का मतलब यही तो हुआ ठीक। तो 25 में कितने होंगे, 5 × 25 / 1000, इस पर 125 या अगर 0.25। अब मैं बोलूंगी कितने मोल है, HCl 4 मोल, 4 मोल रिएक्ट करते हैं, वेट ले लेते डायरेक्ट यहाँ पर, वेट पूछा तो 4 मोल रिएक्ट करते हैं 87 ग्राम MnO2 से, ऐसे कर लो 0.25 मोल कितने रिएक्ट करेंगे, 87 upon कितना आएगा, 4 × 0.25, आंसर सेम ही आएगा निकाल कर, दोनों से आंसर सेम आएगा। आप कैसे भी कर लो, मैंने कहा ये स्टोइकोमेट्रिक है ही, इसीलिए मोल से ग्राम में कैलकुलेशन कर सकते हो, ग्राम से मोल में कैलकुलेशन कर सकते हो, ये है ये। चलिए मैं इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं लिख लेती हूँ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बताती हूँ आपको, वो आप करेंगे। एनसीईआरटी का सेम ये ऐसा ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.35, 1.35, 1.36 आप करेंगे इसमें ठीक, दोनों इससे रिलेटेड क्वेश्चन है ठीक। अभी मैं कुछ और क्वेश्चन भी आपको कराती हूँ ठीक, और उसके बाद मैं आपको असाइनमेंट भेजूंगी इससे क्वेश्चन करने के लिए ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रख कर दे, हमने क्या करा, मास से वॉल्यूम की कैलकुलेशन करी, वॉल्यूम मोल से वॉल्यूम भी बनाया, वॉल्यूम से मास भी दिया, तो सबकी कैलकुलेशन एक दूसरे से चल रही है। तो अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड रिक्वायर्ड रिएक्ट विद, अब मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, रिएक्ट विद 852 ग्राम ऑफ P4O10, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड रिक्वायर्ड व्हेन इट रिएक्ट विद 852 ग्राम ऑफ P4O10। इसमें तो नहीं दे रखी है, पर आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए दी जाएगी, भाई कैल्शियम ऑक्साइड की P4O10 से रिएक्शन आपको नहीं याद होगी, Ca3PO4 बनता है कैल्शियम फॉस्फेट, याद होते देखो इसे ये बनता है, इसे बैलेंस करते हैं, इसे ये रहेगा 6 या 2 ठीक है, बैलेंस हो गई। कैल्शियम ऑक्साइड का अमाउंट बताना है कितना, 852 से पहले क्या होगी रिएक्शन जो होगी वो हमें गिवन नहीं होती है, लेकिन ये ऐसी रिएक्शन है जो आप नहीं कर सकते, वैसे कोई मुश्किल नहीं है, बनाना चाहो तो बना सकते हो, लेकिन 11th क्लास के लिए हम लोग अगर ऐसा कोई टफ क्वेश्चन आएगा तो हम उसके लिए आपको रिएक्शन प्रोवाइड कराएंगे। तो हमने पूछा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सीओ, अमाउंट का मतलब मास भी हो सकता है मोल भी हो सकता है, तो हम जनरली मास ही लेके चल रहे हैं, तो दो तरीके से निकालेंगे, एक तो ये तरीका पहले इसका हम निकालते हैं, P4 4 × 31 + कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का 16 160, ये हो गया आपका 284 ग्राम ठीक। अगर मैं कैल्शियम का ले लूँ तो कितना होगा, 40 + 56 × 6 ठीक। तो हमसे पूछा है 852 से क्या होगा, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं 284 ग्राम P4O10 फॉर्म करता है कितना, 6 × 56 ग्राम ऑफ CaCO ठीक। तो 852 कितना करेगा, 6 × 56 / 284 × 852, ये 3 times चला जाएगा, 6 × 18 आप कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लेंगे, तो ये छोटा सा तरीका है, ऐसे कर सकते हैं ठीक। और दूसरा तरीका हमारा क्या है, दूसरा तरीका भी बता देती हूँ, दूसरा तरीका हमारा है, हम पहले मोल निकालते हैं, मोल P4O10 बताओ जी कितने मोल आएंगे, कितना इसका देख रहा है, 2852 2 84, यानी कि 3 मोल आ गए। क्या करते हैं, Np4O10 O10 / स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट MCACO स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मैं दोनों तरीके से बार बार करा रही हूँ, आप किसी एक तरीके से कर सकते हैं, कहोगे मैम कंफ्यूजन है, दोनों से इसीलिए बता रही हूँ, देखो इसमें टाइम जरूर लगता है लेकिन बहुत अच्छा तरीका है, इससे गलती नहीं होगी, इससे गलती होने के चांसेस हैं ठीक, ये छोटा जरूर है लेकिन इससे गलती होने के, इसमें गलती होने के चांसेस नहीं है। तो P4 के कितने मोल है, 3 मोल, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, इसके कितने मोल है हमें निकालने हैं, और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 6, तो NCACO कितना हो गया, 18 मोल आ गए, मोल में हो तो ये तो खत्म है, अगर मास निकालना है तो क्या होता है, मोल इक्वल टू मास अपॉन मोल
कितना आ रहा है, 6 इंटू मोलर मास कितना है 56, 56 ही तो है, 56 मल्टीप्लाई कर दो, देखो यहाँ भी वही आ रहा था, वहाँ भी इतने ग्राम आपका आंसर आ जाएगा, इतने ग्राम आपका सॉरी 18 इंटू 56 कितने ग्राम आपका क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ आप देखेंगे। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाई, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाई कंबक्शन ऑफ 16 ग्राम मीथेन। ठीक, 16 ग्राम मीथेन। ठीक, ये तो हो गए क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन और लिखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1.5 मोल ऑफ CO। इसकी इक्वेशन लिख देती हूँ मैं आप लोगों के लिए, ताकि आपको इक्वेशन बनाने में कोई दिक्कत ना हो। इक्वेशन है इसकी, इक्वेशन CaHCO3 कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्लस 2HCl गिव सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट तो याद आएगा, ओके इसकी रिएक्शन करेंगे हम HCl से, तो यहाँ बन जाएगा CaCO2 प्लस CO2 प्लस H2। खुद बैलेंस करेंगे इक्वेशन को, खुद रिएक्शन को बैलेंस करेंगे और काम करेंगे। क्या पूछा है इसमें से, इसमें से इसके मोल बताने हैं, कितने मोल, 150 मोल CO2 भाई, 150 मोल, 1.5, 150 में 1.5 मोल CO2 इसके कितने मोल से बनेगी निकाल लोगे, एक मोल से एक मोल बन रहा है तो इससे इतने मोल बनेंगे भाई, देखो एक मोल से ये एक मोल बन रहा है तो 1.5 से कितने बनेंगे, 1.5 मोल, सीधा आंसर था, जरूरत भी नहीं थी कैलकुलेशन करने की। तो ये आपकी थी स्पेशल मैट्रिक। अब तक क्या हो रहा था, अब तक आप देख रहे थे एक चीज थी और एक चीज हमें पूछ रही थी। आप एक क्वेश्चन आपके सामने में रखते हो, N2 + 3H2 = 2H3। मैंने कहा है क्वेश्चन में नहीं, मुझे पता 28 ग्राम होता है, ये 6 ग्राम होता है, लेकिन मैंने क्वेश्चन दिया है 10 ग्राम N2 react with 5 ग्राम H2 फॉर्म हाउ मेनी ग्राम ऑफ अमोनिया। आप बताओ कैसे करूँ मैं भाई, अगर मैं इसके हिसाब से करती हूँ भाई, अगर मैं लेती हूँ 28 से बन रहा है 34 ग्राम, तो 10 से कितना बनेगा, देखो अगर मैं ऐसे करूँ 28 ग्राम N2 से बन रहा है 34 ग्राम H3, तो 10 से कितना बन रहा है, आंसर अलग आ गया। अगर मैं ये तो एक आंसर आ गया, अगर मैं इससे करूं 6 से बन रहा है 34, 5 से कितना बन रहा है 34 इंटू 6 इंटू 5, देखो दोनों आंसर ही अलग अलग आएंगे, इससे अलग बनेगा इससे अलग बनेगा, तो मैं कौन सा आंसर लिखूंगी पेपर में, मुझे क्या पता चलेगा कि मेरे को कौन सा आंसर लिखना है। ऐसे में हम एक नया कॉन्सेप्ट लगाते हैं, उसे बोलते हैं हम लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। कैसे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल चार बच्चों ने, चलो कोई भी आपके क्लास के चार बच्चे हैं, किसी का बर्थडे गिफ्ट लाने के लिए था और कहा हम 500 रुपीज ईच हम सबमिट करेंगे, 500 हमें सब सबमिट करेंगे। अभी मुझे कुछ बच्चों के नाम याद होंगे, चलो नाम ले लेते हैं, वो हम सबमिट करेंगे। ठीक, चलो मैं चार बच्चे ऐसे अपने घर से ले लेती हूँ, एक है यश और एक है राज, अब मैंने ऐसे लिए रैंडमली। ठीक, एक है सूर्यांश और एक है आपका अर्चित। ठीक, चार नाम ले लिए मैंने, सूर्यांश, अर्चित और राज और यश, ये चारों बच्चों को गिफ्ट देना है, गिफ्ट देना है सोहन को। चलो ठीक है, किसे गिफ्ट देना है, सोहन को गिफ्ट देना है। इन चार बच्चों ने, इन्होंने कहा कि भाई 500 रुपये मिलाएंगे, 2000 रुपये हो जाएंगे, इसके लिए अच्छा सा गिफ्ट लेंगे, कोई अच्छी सी एक जीन्स देंगे या कुछ भी अच्छा सा कुछ भी सामान दे देंगे ब्रांडेड। ठीक, गिफ्ट भी दे देंगे उस बच्चे के लिए, गिफ्ट लेने चले गए आप। लेकिन अर्चित ने क्या कहा, अर्चित ने कहा कि मैं तो भाई 500 नहीं दूंगा, मैं तो सिर्फ 200 रुपये दूंगा। अर्चित ने कह दिया कि मैं तो सिर्फ 200 रुपये दूंगा। अब ऐसा तो होगा नहीं कि बाकी तीन बच्चे 500 रुपये मिला है और अर्चित 200 मिला और गिफ्ट भी सबका नाम लिखा वाला, ऐसा तो होगा नहीं। तो अदर बच्चे भी कहेंगे ठीक है, अब गिफ्ट की क्वांटिटी क्या करते हैं, 200 200 करते हैं, तो अब वो तीनों बच्चे भी 200 200 मिलाएंगे।
तो जो गिफ्ट 2000 का आना था अब कितने का आएगा, सिर्फ 800 रुपए का आया। पहले उसे एक ब्रांडेड चीज मिली थी, अब क्या मिलेगी, लोकल चीज मिलेगी। फर्क हो गया भाई, एक बच्चे की वजह से उन तीन बच्चों को भी अपना अमाउंट क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, उनको भी अपने आप को क्या करना पड़ गया, लिमिट करना पड़ गया। ऐसे ही होते हैं लिमिटिंग एजेंट। ऐसे क्या होते हैं लिमिटिंग एजेंट, जैसे कि 10 ग्राम N2 और 5 ग्राम H2 मिलकर क्या कर रहे हैं, मिलकर रिएक्शन कर रहे हैं। इसका मतलब इनमें से जो अमाउंट क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग, इनकी स्टोइकोमेट्री के अकॉर्डिंग कम पड़ेगा, वो क्या होगा, हमारा लिमिटिंग एजेंट होगा। इसको हम डिटेल में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये लंबा है प्रोसेस और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% इसमें से क्वेश्चन आता है। पहले आप अपनी स्पेशियोमेट्री को स्ट्रॉन्ग करो, अगर मैं आज बता दूंगी तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, बताने मुझे अभी 5 मिनट लगेंगे। और सबसे इजी कॉन्सेप्ट है स्पेशियोमेट्री, जब ये समझ में आएगी ना तो स्पेशियोमेट्री की छुट्टियों में हो जाएगी। तो पहले आप इन दोनों वीडियो को अच्छी तरह कर लो, इनके कंसेप्ट अच्छी तरह कर लो, स्पेशियोमेट्री की प्रैक्टिस कर लो। एक एजेंट देख रहा है, एक एजेंट निकालने की कर लो, जब 2 एजेंट दिए होंगे उसका काम मैं आपसे करवा दूंगा। बेटा वीडियो को 4-5 बार देख लेना, गलती होने की नहीं आपसे। स्टोइकोमेट्री में क्या दिक्कत है, स्टोइकोमेट्री कुछ नहीं है, एक कंटेंट है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को उसकी क्या कहते हैं, स्टोइकोमेट्री कहते हैं, बस। ठीक, ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।